गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरुआत होगी अगले दिन की। ये नज़ारा है स्टर्लिंग करवार के रिसॉर्ट के रूम से हमारे, जो ये देख लीजिए पूरा इस तरीके का व्यू दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं पूरे तरीके से। और यही हाईवे जो सीधे आगे जा रही है, ये सीधे इधर जा रही है गोवा के लिए। और पीछे से हम आए थे, मौसम देखो बादल बने हुए। तो चलते हैं आज हम यहाँ से गोवा के लिए। गोवा में हम जिस प्रॉपर्टी में रुक रहे हैं वो है ला कबाना। तो वहाँ पे रुक के हम आपको दिखाते हैं वो प्रॉपर्टी कैसी है, और वो बीच व्यू प्रॉपर्टी है। और आज का स्टे हमारा सिर्फ वहीं पर है, कल फिर दूसरा स्टे होगा, तो देखते हैं कल का क्या है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। तो जैसा भी होता है आपको दिखाते हैं। और यहाँ से करवार से गोवा तक की जो रास्ता है वो आपको दिखा। दोस्तों निकल रहे हैं अब यहाँ से स्टर्लिंग प्रॉपर्टी से, हमारी करवार से, करवाड़ से सीधे ला कबाना रिसोर्ट, जो कि है 120 किलोमीटर, 3 घंटे लगेंगे पहुंचने में। और अभी बज रहे हैं 10:16, तो इसके हिसाब से 3 घंटे का मतलब है 1:20 पे पहुंचेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं गोवा की अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। देखो दोस्तों यहां से पंजी दिखा रहा है 76 किलोमीटर, जो कि गोवा की मेन कैपिटल है, लेकिन हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 104 किलोमीटर है। और ये देखो सामने इधर एक बीच दिख गया, नाम इसका कुछ और था, अभी याद नहीं आया। समुद्र के साथ में हल्का सा बीच है, 2-3 लोग दिख रहे हैं। ये देखो दोस्तों सामने का नज़ारा, वापस से रोड एकदम नीचे की तरफ है, जैसे बेंगलोर की तरफ थी, जैसे हमारे को झूला मिलता हो ना राइड की तरह, एकदम नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, सीधी रोड है एकदम सामने तक। तो आज बारिश का मौसम बना हुआ है यहाँ पे गोवा में, आज भी समा आ जाए तो इसने हमको आज ही पता चल रहा है। बाकी अभी तक इतने दिनों में कहीं भी मौसम नहीं था बारिश का, एकदम मस्त घूमने वाला था। तो हमने बड़े मज़े से घूमे, वीडियो में आपने देखे ही होंगे। और अभी देखते हैं आपको आगे गोवा में जाके कि कैसा मौसम है वहाँ का, वो भी दिखाते हैं आपको। देखो दोस्तों दोनों तरफ लाल मिट्टी के पहाड़, बीच में से रोड, मस्त मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के। आ जाओ आप लोग भी, आ जाओ दोस्तों, निकालो अपनी अपनी गाड़ियाँ और चलो रोड पर घूमने के लिए, क्योंकि बारिश के मौसम में जो मज़ा है घूमने के वो मज़े किसी और मौसम में नहीं आएंगे। क्योंकि सर्दी में एक्सट्रीम सर्दी होती है, गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी होती है। और ये देखो हम आगे ब्रिज के ऊपर, जिधर नदी दिख रही है आपको, पट्टी धूप आ गई, धूप आ गई, यही कह रहा था मैं कि यही मौसम है मज़ेदार घूमने वाला, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश, और मौसम भी एकदम सुहाना सा होता है। बारिश तो है ऐसे किसी ललित होटल आने वाले हैं, ललित चलो। तो हम आगे नवेलिम, लवेलिम में के अंदर मेरे चर्च भी है, देखो अवर लेडी ऑफ रोजरी क्लब नवेलिम। पूरे मेन सिटी में से होते हुए निकाल रहा है हमारे को, हो सकता है रास्ता यही होगा नवेलिम सालसेट गोवा, नॉर्थ गोवा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा तो हम साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों हम मडगांव की तरफ एंटर कर रहे हैं, मडगांव सिटी के अंदर। ये जो ऊपर भी हमने फ्लाईओवर चढ़ाया, इसके नीचे रेलवे की पटरी थी, वो मडगांव स्टेशन की थी। तो ये हम पहुँच गए मडगांव सिटी के अंदर एरिया में, मडगांव एरिया जो है। ये आ गया मेन मडगांव सिटी का मेन एरिया। तो दोस्तों हम जाएंगे पणजी होते हुए जो मेन सिटी है, और यदि आपको कोलवा बीच ना जाना है तो यहीं से आपको लेफ्ट होना पड़ेगा, इधर से लेफ्ट। अब हमको जाना है सीधा। तो दोस्तों हम मडगांव से पणजी की तरफ जा रहे हैं जैसा बताया, और अभी ये मेन रोड आ गया है जो कनेक्ट करेगा सीधा पणजी को। दोस्तों हमको नारियल पानी मिल गया यहाँ पे, तो हम नारियल पानी ले रहे हैं, और यहाँ पे रेट है
50 के दो, नहीं सॉरी 100 के दो, 50 का एक यार खतरनाक साइज है, 50 रुपये में। दोस्तों नारियल पीते पीते बारिश तेज हो गई यहाँ पे। ओहो ये देखो सारा पानी इधर आ गया, नीचे खुला हुआ था ना ऊपर से नारियल लेने के लिए। बस 2 मिनट की बारिश है और थोड़ी देर में फिर बंद हो जाएगी। अभी दिखा देता हूँ आपको, देखो अभी आ रही है और चलते तब दिखाता हूँ। तो दोस्तों गोवा का स्टेडियम राइट साइड में, और सामने दिख रहा है थोड़ा सा राइट साइड में हमारे रंग बिरंगी सीटें, बैठते होंगे वो तो साफ लोग बस देख लेते होंगे, आते जाते लोगों को भी देखते होंगे अगर मैच से बोर हो गए तो। और क्या देखो अभी पंजी दिखा रहा है 7 किलोमीटर और हमारी डेस्टिनेशन तो अभी टाइम है, 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो दोस्तों हम दोबारा एक और मेन पंजिम एरिया आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा, पता नहीं कितना क्लियर दिख रहा है पता नहीं, लेकिन ये सामने देखो इंडियन फ्लैग भी लहरा था हुआ वो लेफ्ट साइड में। जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये आपके बिल्कुल पंजिम एरिया है, मेन पंजिम सिटी है, और ये आ गए हम समुद्र के ऊपर। क्रूज भी दिखेंगे यहाँ से, हाँ यहाँ से लेफ्ट साइड में जो है आपको क्रूज दिखेंगे। शाम को क्रूज का प्रोग्राम भी होता है 1 घंटे का। तो दोस्तों ये हम मेन रोड से, इसने हमारे को लेफ्ट में घुसा दिया है क्योंकि रास्ता यही है, और अब रास्ता और छोटा हो जाएगा मेन प्रॉपर्टी तक पहुँचने का। और अभी भी जो है 15 किलोमीटर का बचा है हमारा डेस्टिनेशन, जिसको क्रॉस करने में लगेगा 1/2 घंटा। चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे प्रॉपर्टी के एरिया के अंदर, मंडेरियम बीच के ही एरिया में चल रहे, मोरजिम के अंदर जो है, तो मोरजिम एरिया में हमारा प्रॉपर्टी है ला कबाना बीच, जहाँ पे हम आज रुकेंगे। और मंडेरियम दोनों पास पास, हाँ मोरजिम थोड़ा आगे पीछे की तरफ है और मंडेरियम ये आगे चल रहा है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो बस अभी 1/2 किलोमीटर और रह गया, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, आपको दिखाता हूँ पहुँचते ही। तो दोस्तों ये रही प्रॉपर्टी, यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि ला कबाना ही है ना। ला कबाना है ना, हाँ। तो कंफर्म करने हमने सिक्योरिटी गार्ड से, और हम एंट्री करते हैं इसके अंदर और चेक इन करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अपने रूम के अंदर चेक इन करने के लिए, और इन्होंने बोला कि आज का जो रूम है वो अपग्रेडेड रूम है हमारा, जो कि जो रूम हमने सेलेक्ट किया था वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए अब जो मिल रहा है उसी में जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या अपग्रेडेड भी है और कॉटेजेज है, सेपरेट सेपरेट कॉटेज, तो देखते हैं कैसी कॉटेज में दिया हमें। प्रॉपर्टी बिल्कुल समुद्र के पास ही है। तो ये देखो दोस्तों सामने ही ओशियन है, और ये रूम हमें मिला है रूम नंबर 158, और रूम खोलते ही मैडम हमारी सामने आपको मिल गई और ये इस तरीके का रूम व्यू, एक सोफ़ा सेट दिया हुआ है, सोफ़ा कम बेड कह लो या सोफ़ा सेट कह लो, ये एक बेड है और इस तरीके का फ़ैन भी है, सामने एसी भी है, और इधर टीवी कैबिनेट दिया हुआ है, और इधर स्टडी टेबल दे रखी है, लैपटॉप पे कुछ काम करना है काम कर लो, नीचे मिनी रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, एक छोटा सा कबर्ड है हल्का फुल्का, और इधर एक मिरर दिया हुआ है, सामने एक कबर्ड है, और इस तरफ एक वॉशरूम है जैसा होता है नॉर्मली। तो चलो अभी थोड़ी देर में यहाँ रिलैक्स होते हैं, फिर कहीं आगे चलेंगे या समुद्र की तरफ जाएंगे, तब आपको दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा दिखता है वहाँ से। दोस्तों हम निकल रहे हैं अपने कमरे से बीच की तरफ, क्योंकि बारिश बंद हो गई है, अभी पहले आ गई थी थोड़ी देर के लिए फिर बंद हो गई है, देखो नज़ारा
ये रहा सामने बीच, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। सबसे ज़्यादा मज़े तो इस रूम वाले के होंगे, एकदम फ्रंट पे ही है। और ये देखो इधर स्विमिंग पूल भी है। फाउल 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 चला रहा हूँ। ओहो इधर भी है सामने ना, घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो ये प्रॉपर्टीज भी है, ऊपर वाले रूम वाले भी देख सकते हैं सामने से समुद्र का नज़ारा। अब चलते हैं वापस आगे की तरफ। और ये सामने ये रेस्टोरेंट है, राइट साइड में वॉशरूम भी दिया है, शॉवर एरिया है, एंट्री फॉरेस्ट है। और देखो उधर आंटी बैठी हुई है, किधर मजे ले रही हूँ नज़ारों के। और ये देखो सामने समुद्र, और ये रास्ता भी है इधर, ये वाला जाने का नीचे, पर नीचे जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो बीच ही गायब है। बीच गायब हो गया यहाँ पे तो। देखो बिल्कुल बिल्कुल समुद्र से अड़ा हुआ है ये, बहुत तेज है। और इधर जो है ये रेस्टोरेंट है, और इधर ये नज़ारा है, ये आंटी बैठी हुई इधर, और इधर हम खड़े। इधर से सही फोटो नहीं आ रही, काली काली आ रही है, इधर से सही आ रही है क्योंकि सूरज सामने है ना इसलिए। ये रहा ये मंकी, देखो एक मंकी पीछे भाग रहा है, एक मंकी पीछे भाग रहा है। तो दोस्तों हम अंदर आ गए रेस्टोरेंट में, ये देखो दिखा देता हूँ आपको रेस्टोरेंट अंदर से। ये इधर से एंट्री सामने से, अंदर आए हम बैठ गए और ऑर्डर हमने दे दिया है, फ्रेश लाइम जूस, फ्रेश लाइम सोडा या जूस कह लो। और मैंने किया वेज मंचूरियन, और रिशिता भी डिसाइड कर रही है मेनू पढ़ के कि क्या ऑर्डर करना है। और ये बैठे हमारे सामने समुंदर, नज़ारा ले रहे मस्त। तो हम बैठे ही थे और बारिश आ गई, दिख नहीं रही होगी आपको बारिश। देखो दोस्तों धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है, यही है गोवा का बारिश के सीज़न का मज़ा। एक पल में बारिश आती है और एक पल के अंदर बंद भी हो जाती है, यही मज़ा है। गोवा आओ तो ज़रूर मज़े उठाओ इस सीज़न के। मैं तो ऑलरेडी इंजॉय कर चुका हूँ, मैं पहले भी आया था अपने भाइयों के साथ में फर्स्ट टाइम, आज से 15 साल या 16-17 साल पहले तब आए थे। तब भी ऐसे मौसम था, हल्का चलते थे बारिश आती थी फिर बंद हो जाती थी, फिर चलते थे फिर बारिश आती थी फिर बंद हो जाती थी। अभी भी सेम ऐसे ही हो रहा है, अभी 2-3 बार बारिश आ चुकी है, तो वो दिख रही होगी आपको नीचे ज़मीन पे, देखो पानी गिर रही है और सामने धूप भी है। जैसे सामने सनसेट होगा तो दिखाऊंगा आपको, इधर ही होगा कहीं सनसेट, क्योंकि ऊपर यहाँ पे सन है, नीचे आएगा तो पता चलेगा। दोस्तों हम आ गए हैं बीच के ऊपर, वो मैडम आ गया कि कहां भाग रही हो, इन्होंने कुछ दिखाया यहां पे दो पता नहीं क्या दिखाया। और ये देखो सामने समुद्र, ये रिशिता बिगड़ जाएगा वो पानी बिगड़ेगा। और ये जब दोपहर में आए थे तो ये पानी का जो लेवल है बहुत ऊपर तक आया हुआ था, अभी जो एकदम नीचे तक तब पीछे चला गया। पानी
गया। और उधर सारे जो है रेस्टोरेंट है, ये सारे लाइन से दिख रहे हैं कोई सनसेट दिखा नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी जो है क्लाउड्स आ गए थे सन के आगे और मौसम एकदम बारिश का हो रखा है, तो इस वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ओ बारिश आ गई। तो दोस्तों हम दो मिनट पहले वहाँ थे समुद्र के बीच में और एकदम से बारिश हुई और सीधा मैं मैंने चप्पल उतारी ना वैसे इस तरह चप्पल उतारी और बारिश चालू हो गई। और देखो दिखाना जरा मैडम पीछे से हम कितना गीले हुए। देखो इस तरीके से पूरा जो है बारिश है क्योंकि पीछे की बारिश थी ना, तो जैसे जैसे मैं आता गया वैसे वैसे भीगते गए।